सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने 3 तलाक पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार से इस मामले पर कानून बनाने की बात कही है, जबकि उत्तराखंड की रहने वाली सायरा बानो ने साल 2016 में 3 तलाक के खिलाफ याचिका लगाई थी। उनकी इस याचिका के बाद पूरे देश में 3 तलाक को लेकर बहस छिड़ गई कि यह महिलाओं के अधिकारों का हनन है। सायरा बानो ने फरवरी 2016 में 3 तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी। इस साल मई में 12 से लेकर 18 तारीख तक चीफ जस्टिस खेर की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष इस मुद्दे पर सुनवाई हुई थी, जिसके बाद बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सायरा बानो की शादी साल 2002 में इलाहाबाद के रहने वाले रिजवान अहमद से हुई थी। अपनी याचिका में सायरा ने आरोप लगाया कि उनके ससुराल वाले उसे दहेज के लिए परेशान करते थे, उनके साथ मारपीट की जाती थी और नशीली दवाइयां दी जाती थी, जिसके चलते उनकी तबीयत खराब होने लगी थी। सायरा की याचिका के मुताबिक अप्रैल 2015 में रिजवान ने 3 तलाक देकर जबरदस्ती मायके भेज दिया और उनसे रिश्ता तोड़ लिया। अपनी याचिका में उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी चुनौती दी है। पर्सनल लॉ बोर्ड के एप्लीकेंट एक्ट की धारा 2 के तहत पुरुषों के बहुविवाह, 3 तलाक, निकाह हलाला जैसी प्रथाओं में वैधता मिलती है। उनका मानना है कि ये प्रथाएं उस सोच को बढ़ावा देती हैं जिसमें पुरुष महिलाओं को अपनी संपत्ति समझते हैं। उनका कहना है कि आज के प्रोग्रेसिव समाज में इन प्रथाओं के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए।